साथियों, इस वीडियो में हम हरियाणा के 13 से लेकर 20 अगस्त तक के करंट अफेयर्स करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप धल एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है हमारे द्वारा वीडियोस जो डाले जा रहे हैं वो पसंद आ रहे होंगे। आपका अच्छा रिस्पॉन्स भी हमें मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के किस जिले को स्वच्छ दर्पण 2019 के तहत देश भर में पहला स्थान मिला है? तो ये है दोस्तों रेवाड़ी। तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत स्वच्छ दर्पण 2019 के तहत देश भर में पहला स्थान मिला है। तो फ्रेंड्स, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत जो है 1 जून 2019 से स्वच्छता दर्पण 2019 की शुरुआत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की गई थी। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत रेवाड़ी जिले के सभी 412 गांवों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण एवं उपयोग, प्रशिक्षित स्वच्छाग्रही का चयन और जो है खुले से शौच मुक्त शाइन बोर्ड और अलग अलग तरह की स्वच्छता पेंटिंग सहित अन्य कार्यों में स्कोर प्राप्त करने पर जो है रेवाड़ी को पहला स्थान मिला है देश में। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों के निपटाने के लिए वर्चुअल कोर्ट शुरू की गई है? तो ये की गई है फरीदाबाद में। ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों को जो है निपटाने के लिए प्रदेश के फरीदाबाद में जो है वो पहली वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत की गई है। और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति कृष्णा मुरारी। इन्होंने 17 अगस्त 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी शुरुआत की थी। और इसका उद्देश्य जो है फ्रेंड्स वो है कि न्यायालय में विवादों की उपस्थिति को समाप्त करना। मतलब जो जो न्यायालय है उसमें जो मतलब जिसका चालान कटता है तो वो वहाँ पे जाता है, तो उसके बजाय जो है वो ऑनलाइन ही वो अपना चालान भर दे तो ऑनलाइन ही उसका निपटारा हो जाए। तो हरियाणा में जो है ट्रैफिक चालान केस के लिए अब कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं रहेगी और ऑनलाइन ही जो वो इन मामलों का निपटारा किया जा सकेगा। इसीलिए ये वर्चुअल कोर्ट शुरू की गई है जो कि हरियाणा की पहली है और ये फरीदाबाद में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में दीपक पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। तो भारतीय रेसलर है दीपक पूनिया। इन्होंने जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में रूस के एलिक सुबुजुकोव को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन एस्टोनिया की राजधानी तालिन में किया गया था। तो इस प्रतियोगिता में जो है दीपक पुनिया के अलावा विक्की चाहर ने भी 92 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट, हरियाणा में 7 स्टार योजना के तहत 2019 में कितनी पंचायतों को 6 स्टार रेटिंग मिली है? तो ये मिली है 20 पंचायतों को। तो दोस्तों, ये 7 स्टार योजना शुरू की गई है, तो इसके तहत जो है अभी तक 7 स्टार किसी भी पंचायत को नहीं मिले हैं, तो इस जबकि 6 स्टार जो है वो 20 पंचायतों को मिले हैं। तो 2018 में जो है वो इसमें ये रैंकिंग हुई थी और उसमें जो है अभी जाके इसमें काफ़ी जो है सुधार हुआ है पंचायतों के अंदर। तो 2018 में 6 स्टार पाने वाली पंचायतें 3 थी और इस बार जो है वो 20 पंचायतों को 6 स्टार रेटिंग मिली है। और इसके अलावा जो है 5 स्टार रेटिंग इस बार मिली है 58 पंचायतों को और 4 स्टार रेटिंग मिली है 270 पंचायतों को। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस 2019 के अवसर पर हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 13 पुलिस अधिकारियों को। तो स्वतंत्रता दिवस 2019 के अवसर पर विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से 13 अधिकारियों को जो है वो सम्मानित किया गया है। तो इनमें डॉक्टर बी के सिन्हा तथा सुभाष चंद्र को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया है और 11 अन्य पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव किस जगह आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा में। तो हरियाणा के गुरुग्राम में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, बेलारूस के मिन्स्क में 2019 के मेदवेदित इवेंट में फाइनल में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जीता है सिल्वर मेडल। तो भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में बेलारूस के मिन्स्क में 2019 की इस प्रतियोगिता के फाइनल में सिल्वर मेडल जीता है।
और उन्होंने जो है 2019 के में जो है स्पेन के ग्रैंड प्रिक्स यासर डोंगू इंटरनेशनल और पोलैंड ओपन में लगातार 3 स्वर्ण पदक भी जीते थे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा, विनेश फोगाट जो है वो चरखी दादरी के बलाली गांव के रहने वाली है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंचकुला में किस राष्ट्रीय जिम्नास्टिक खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है निकिता को। तो निकिता को जो है खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनिल विज ने सम्मानित किया था। तो निकिता ने जो है वर्ष 2019 के जून में गोवा में आयोजित दूसरी फीट यूथ राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन दो खिलाड़ियों को दिए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये हैं बजरंग पूनिया और दीपा मलिक। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही खिलाड़ी हरियाणा से हैं जिनको 2019 का खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया और दीपा मलिक को जो है 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड्स बजरंग पूनिया ने जो है एशियन और कॉमनवेल्थ खेलों के अंदर जो है भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था और उसी के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए इनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और इसके अलावा दीपा मलिक ने जो है 2016 में रियो पैरालंपिक में शॉट पुट की F53 कैटेगरी में रजत पदक जीता था। तो उन्हें जो है वो इस उपलब्धि के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा की कुश्ती खिलाड़ी पूजा ढांडा को कौन सा अवार्ड देने की घोषणा की गई है? तो ये है अर्जुन अवार्ड। तो मशहूर कुश्ती खिलाड़ी है पूजा ढांडा, इनको जो है 2019 का अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों पूजा ढांडा जो है वो हिसार जिले के बुढ़ाना गांव की रहने वाली है और पूजा ढांडा जो है देश की पहली यूथ ओलंपियन खिलाड़ी है जिन्होंने जो है 2010 में ओलंपिक यूथ ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। तो फ्रेंड्स आप जो है इस वीडियो को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप आपके तो उनमें जो है इसे शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे लाइक करते हैं तो मुझे भी ये होता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप इसको अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे तो आपके जितने भी दोस्त होंगे तो वो भी इससे लाभ उठा सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उन तक हरियाणा से रिलेटेड जो ये क्वेश्चंस हैं वो पहुंच पाएंगे, वो भी इनसे लाभ ले सकेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बनाने में जो है काफ़ी मेहनत लगती है, आपके लिए अलग अलग जगह से क्वेश्चंस कलेक्ट करने पड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अभी शेयर भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड देने की घोषणा की गई है? तो ये है दोस्तों रामबीर सिंह खोकर। तो कबड्डी के कोच है रामबीर सिंह खोकर, इनको लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड 2019 देने की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड्स द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो गुरु को दिया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर राज्य के 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के कितने बच्चों को एंडेजाबोल की गोली खिलाई है? तो ये है 94 लाख। तो ये गोली जो है वो बच्चों को पेट के कीड़ों को निजात दिलाने में जो है वो सहायता करती है। नेक्स्ट है, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग का चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दीपेंद्र सिंह ढेसी को। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीपेंद्र सिंह ढेसी को 14 अगस्त को हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस समारोह 2019 के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में ध्वजारोहण किया था? तो ये किया था सोनीपत में। तो मुख्यमंत्री ने जो है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में ध्वज फहराया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के राज्यपाल ने स्वतंत्रता दिवस समारोह 2019 के अवसर पर किस जिले में ध्वजारोहण किया था? तो राज्यपाल ने किया था फरीदाबाद में। तो हरियाणा के राज्यपाल जैसे कि आपको पता ही होगा सत्यदेव नारायण आर्य है और इन्होंने जो है 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर यानी कि 2019 में फरीदाबाद में ध्वजारोहण किया था। नेक्स्ट है, किस देश की संसद के दोनों सदनों में भगवद गीता स्थापित की गई है? तो ये की गई है ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की संसद के दोनों सदनों जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स है तो इनमें पवित्र ग्रंथ गीता स्थापित की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2019 का आयोजन जो है दोस्तों ब्रिटेन में 9 से 11 अगस्त तक किया गया था और यह दूसरी बार है जब गीता जयंती महोत्सव का आयोजन देश से बाहर किया गया है। तो इससे पहले जो है पिछले साल मॉरिशस में गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया था और इस बार जो है इंग्लैंड में किया गया है।
तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लिए दो क्वेश्चंस हैं, तो इनके आंसर आप अभी जरूर दीजिएगा। ये मैंने आपको जो है पिछले जो करंट अफेयर्स की वीडियोस थी उनके अंदर करवाए हुए भी हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने जुलाई महीने को किस बीमारी रोधी के रूप में मनाया है? तो आपके ऑप्शन है ए मलेरिया रोधी, बी डेंगू रोधी, सी टीबी रोधी या डी एड्स रोधी। और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि संगठित अपराध से निपटने के लिए हरियाणा ने किस नाम से कानून बनाया है? ऑप्शन ए है राको का, बी जीको का, सी हरको का या डी परको का। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और जो इससे पिछली करंट अफेयर की हमारी वीडियो थी उसमें हम दो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर आपको बताता हूँ। क्वेश्चन था हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये है अनुराग अग्रवाल। अनुराग अग्रवाल को अभी नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है और इनसे पहले जो है वो राजीव रंजन थे। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन था वो था हरियाणवी खिलाड़ी नवदीप सैनी डेब्यू T20 मैच में कितने विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने थे? तो उन्होंने डेब्यू T20 मैच में जो है 3 विकेट लिए थे और उस जो सीरीज हुई थी उसमें जो इन्होंने 5 विकेट लिए थे। तो नवदीप सैनी जो है वो करनाल के तरावड़ी के रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आप इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल संदीप हल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके और उसके बाद आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा तो उसके ऊपर भी आप जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो है हमारे आने वाले हर वीडियो के अपडेट टाइम टू टाइम में जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको ईमेल के माध्यम से भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ।